लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बीते दिनों शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर दिल्ली विधानसभा में लड़े गए चुनाव में फिर से सत्ता हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर निकलकर अन्य प्रदेशों में अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी है। साथ ही दिल्ली की जीत से कार्यकर्ताओं में भी नया जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। उसी कड़ी में शनिवार को राजधानी भोपाल में फिर से आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया गया। शहर के सुभाष नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया, साथ ही मिठाई खिलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश ने आम आदमी पार्टी आम जनता के हित में काम करेगी। प्रदेश की सत्ताहीन कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है, मगर सरकार ने अब तक दिए हुए वचनों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को जल्द ही अपने वचनों को पूरा करना चाहिए, नहीं तो हर मुद्दे पर घेरने के लिए अब आम आदमी पार्टी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय गोपाल राय जी ने नई कार्यकारिणी मध्य प्रदेश की घोषित की है, जिसमें हमारे परम मित्र मेरे भाई पंकज सिंह को जी को अध्यक्ष बनाया गया है। निश्चित ही नई ऊर्जा के साथ हम लोग मध्य प्रदेश में काम करने जा रहे हैं। पिछले एक साल से लगातार हम लोग काम कर रहे थे, लोकसभा विधानसभा चुनाव भी लड़ा और उसमें अच्छा हम लोगों का मैसेज था जो क्या है, लेकिन अभी वर्तमान दिल्ली चुनाव के बाद जो एक पूरे देश और दुनिया ने देखा है शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल, उसी मॉडल पे हम लोग आगे भी अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ हम लोगों को मध्य प्रदेश में काम करने के लिए मिला है और पंकज भाई के नेतृत्व में हम लोग बहुत तेज काम करेंगे। आज आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, तमाम साथी कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं और साथियों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष से यहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही है, कांग्रेस ने भी वादे किए थे तमाम जनता से, चाहे किसानों की कर्ज माफी का वादा रहा हो, चाहे युवाओं के रोजगार का वादा रहा हो, इन वादों पे वो खरे नहीं उतर रहे, तो आम आदमी पार्टी उनको भी घेरेगी। साथ ही सड़क से लेकर जहाँ जहाँ तक संघर्ष करने की ज़रूरत है आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी। यहाँ हमारे कार्यकर्ता दोनों स्तर पर काम करेंगे, एक तो नगरीय निकाय के चुनाव हैं या त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हैं, उन पे भी काम करेंगे, तो संगठन और संघर्ष दोनों काम समानांतर रूप से चलेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक महोदय ने जो घोषणा करी है कि राष्ट्र निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी देश में निकली है, हम लोग सकारात्मक राष्ट्र निर्माण जिसमें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों को मिले, किसानों को उनके फसल का उचित दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, इस तरीके की व्यवस्था लाने के लिए आम आदमी पार्टी कृतसंकल्पित है। आज से हम तमाम साथी मध्य प्रदेश में आम जनता के संघर्ष, आम जनता के मुद्दों के संघर्ष के लिए तत्पर रहेंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।